स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है RNG Study Point। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का एक और बेस्ट टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, कोडिंग डिकोडिंग से भी कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का जो हिंदी होता है वो होता है कूट भाषा यानी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से ये मतलब है कि जैसे मान लो कि आप किसी को कोई संदेश देना चाहते हो लेकिन वो संदेश कोई दूसरा व्यक्ति न समझ पाए, आप उसको ऐसे बनाकर बोलोगे ताकि जिसको आप बोलना चाहते हो वही आपका आपकी जो बात है वो समझ पाए, दूसरा ना समझ पाए। इसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। वो नंबर टू नंबर हो सकता है, वो लेटर टू लेटर हो सकता है, लेटर टू नंबर हो सकता है, वो सिंबल्स के रूप में हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 5 तरीके से पूछे जाते हैं, यानी इसके 5 टाइप होते हैं। उनमें से 2 टाइप आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एक करेंगे लेटर टू लेटर और दूसरा लेटर टू नंबर। बाकी के 3 टाइप के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले पूरा बेसिक क्लियर करेंगे और कुछ जो 2 टाइप है उनको क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक, और उसमें सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट के जितने भी ए टू जेड वर्ड हैं उनका नंबर पता होना चाहिए कि कौन से अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, जैसे मान लो ये ए टू जेड अपन एबीसीडी लिख दिया। अब देखो इनका क्रमांक पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको 4 वर्ड होते हैं ना, ये सबको पता होते हैं, हमें पता है कि 1 2 3 4। हम यूजली बोलते हैं एबीसीडी सुनाओ या एबीसीडी बोलो, बच्चे से कहते हैं, तो एबीसीडी जब बोलेंगे तो ये जाहिर सी बात है नंबर 1 2 3 और 4 पे जाएगा। ठीक है, स्टार्ट के 4 हमें पता है और लास्ट के 3 ये भी हमें पता रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एबीसीडी में टोटल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो लास्ट वाला कितना जाएगा, ये 26 हो जाएगा। इससे पहले जो ये कितना जाएगा, 25 और ये 24 पे, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, 3 और ये क्लियर हो चुके। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है, देखो एक ये दोनों आपको पता रखना पड़ेगा, एम और एन। एम और एन का मतलब यहाँ पर ये 30 है और ये 40 है। ये 13 और 14 भी आपको पता रखना पड़ेगा कि ये एबीसीडी के देखो ये मिडिल में आते हैं, बीचों बीच में आते हैं दोनों, इसलिए ये 13 और 14 हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखो एक इजोटी जो पता होगा है EGOTY J और TY। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये 5 के पहाड़े से बनते, देखो 5 10 15 20 और 25। तो ये जहां जहां पर भी होगा उनको हम लिख देंगे ना। तो सबसे पहले ई जो है ये नंबर 5 पे है, जे बन जाएगा ये नंबर 10, इसके बाद ओ बनेगा 15, टी बन जाएगा 20 और वाई बन जाएगा 25। ठीक है, ये हमने पहले भी समझा था, ये 25 को आप ऐसे भी समझ सकते हो ई जो टी से। तो ये आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ई जो टी, ई जे और टी वाई, यानी 5 10 15 20 25। ठीक है, अब जो बच गए अक्षर उनको हमें जानना है कि उन पे कौन कौन से नंबर आएंगे। तो ए बी सी डी और ई तक क्लियर हो गया। अब देखो ये ऐप बना हुआ है, इस ऐप को हम कैसे याद कर सकते हैं। अगर इस ऐप को मैं ऐसा लिखूं तो ये क्या बनेगा, 6। अगर मैं उल्टा लिखूं ना, देखो इसको ऐसा थोड़ा बना दूं इस तरह से और इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, है ना। ये किसकी तरह शो हो रहा है, 6 की तरह। ठीक है, तो ये 6 ऐप जो है क्लियर हो गया। इसके बाद जी, देखो जी को हम 2 तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर देखो ये बनाने के बाद में ये 7 लिखेंगे ना तो जी बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या इसको ये समझो कि G7। देखो G7 क्या है, ये संयुक्त 7 देशों का एक सम्मेलन है ना, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि G7 यानी G7 हो गया। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखो H है, अब H में अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और इसको ऐसे बना दूं तो ये कौन सा हो गया गिनती का अक्षर, देखो 8 नंबर का आ रहा है ना, 5 6 7 और ये 8, ये किसकी तरह लग रहा है, 8 की तरह हो गया। और इसको क्या समझेंगे, आई को, हम यूजली जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या कहते हैं, कुछ आई एन आई, पर ये तो बोल देते हैं कि यस आई नो, तो आई से कितने बन गए, नो आई नो, यानी आई का जो नंबर होगा क्या होगा, वो 9 हो जाएगा। ई जो टी से 10, जे से जे का जो नंबर है कितना हो गया, 10 हो गया। इसके बाद में देखो के, अब के को याद करने का 2 तरीका है कि यहाँ पर देखो 1 लाइन और 2 लाइन, ये सिंगल लाइन पे 1 और 2 बन रहा है, यानी ये 2 लाइन क्या हो गया, 11 का हो गया। या इसको ऐसे समझो कि आईपीएल सबको सबने देखा होगा, आईपीएल में ऐसी कौन सी टीम का नाम है जो कैसे स्टार्ट होता है, सोचो थोड़ा, उसका नाम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 यानी किंग्स 11, तो के कितना हो गया, के 11 हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है एल, अब एल से एल फोर क्या होता है, एल फोर लोइन होता है ना, एल फोर लोइन।
अब देखो लोइन यानी लोइन को देखने के बाद हमारे क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो एल कितना हो गया, 12 हो गया। तो एल 12 हो गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर एम 30 और 40 जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि एम और एन जो है मिडिल के नंबर है, ये 13 होगा ये 14 होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ई छोटी से ओ आ गया अपना, ओ कितना हो गया 50 हो गया। अब इसके बाद में पी क्यू आर और एस, ये जो चार वर्ड बनते हैं, अब देखो यार इसको ऐसे याद रखो कि अगर ओ 15 पे आता है तो ओ का अगला क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। टी अगर 20 होता है तो टी से पहले क्या आएगा, 19 हो जाएगा, है ना। अब बचे कौन से, दो वर्ड बच जाएंगे केवल ये वाले। या तो इसको इस तरह से याद करें या फिर इसको ऐसे याद करेंगे, देखो पी से लिखेंगे हम प्रिंस, ठीक है, क्यू से क्वीन, आर से राजा और एस से बनाएंगे हम सेनापति, सेनापति, ठीक है। अब देखो ये हम इधर चल रहे हैं तो इधर नंबर बढ़ रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं, तो देखो बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रिंस क्या होगा, सबसे छोटा होगा इनमें, प्रिंस क्या होगा छोटा होगा, तो 15 के बाद में 16। प्रिंस से थोड़ा बड़ा होगी रानी 70, और रानी से बड़ा कौन होता है, राजा। अब देखो जब जब राजा युद्ध करने जाता है तो उनका जो सबसे बड़ा जो आदमी होता है ना, उनकी सैनिक होता है, वो होता है उनका सेनापति, यानी सभी सेनाओं को लेकर चलने वाला होता है सेनापति, है ना। तो ऑब्वियसली देखो राजा से बड़ा होगा, उसका जो यहाँ पर जो पोस्ट होगी वो ज्यादा बड़ी होगी, है ना, क्योंकि सेनापति ही सभी जितने भी सैनिक होते हैं वो कंट्रोल करता है, कौन करता है, सेनापति करता है, इसलिए ये राजा से भी बड़ा है। जिस तरह से हम अपने इंडिया है, इंडिया में जो प्रधानमंत्री होता है वो राजा का राजा होता है एक तरह से, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है उनके पास सभी सैनिकों की शक्ति होती है ना, वो सबसे बड़ा पद होता है उनके पास। तो इसी प्रकार से कितना हो गया, 18 के बाद में कितना हो गया 90, है ना। तो प्रिंस छोटा था, क्वीन उससे बड़ी, राजा उससे बड़ा और सेनापति उससे भी बड़ा बना दिया। तो ये 16, 17, 18, 19, या तो इसको इस तरह याद करो, या फिर अगर ये 15 है तो 15 के बाद में ओ, इजोटिस में पता है कि ओ 15 है तो ओके 15 के बाद में कितना आएगा, 16 आ जाएगा। टी कितना है, 20 है, तो टी से पहले कितना था, 19, बचे कौन 17, 18, तो क्यू आर का याद रखना, ये क्वीन और ये राजा हो जाएगा, 17, 18, ये हमें याद जैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टी हमने इजोटिस से कर लिया, और टी को याद करने का एक और तरीका होता है 20, 20, है ना, टी यानी 20, तो कितना हो गया 20। इसके बाद आता है यू, यू का मतलब क्या होता है, यू होता है यंग, यंग बोलते हैं हम, यंग यानी युवा, तो यू से क्या बनेगा, युवा, और युवा कब होता है, हम युवा कब होते हैं, 21 साल के होते हैं, ब्याह कर देते हैं ना, तो युवा हो गए, कहते हैं ना कि बच्चा युवा हो गया है ना, जवान हो गया है, तो और जवान हो गया तो क्या करेंगे, उसकी शादी कर देंगे, 21 साल का होता है लड़का, क्या करेंगे, उसकी शादी कर देंगे, तो यू से कितना हो गया 21। इसके बाद में आता है वी, अब वी देखो आपने कभी भी सेल्फी तो ली होगी, इस तरह से फोटो लिए होंगे, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विक्ट्री। अब विक्ट्री जो है ये विक्ट्री का साइन होता है, विक्ट्री में दो लाइन खींची हुई है, अब दो लाइन खींची हुई है, दो लाइन खींची मतलब दो लाइन खींची हुई है, तो दो तो लिख दिया, या तो इसको ऐसे समझो, या समझो कि वी जो है इंग्लिश के इस वर्ड से बना है, वी, वी यानी क्या होता है, हम, वी का मतलब हम, और इसको शॉर्ट में लिखे तो क्या बन गया, ये वी बन गया, वी और वी, ठीक है, दोनों का साउंड एक ही है, और हम का मतलब क्या हो गया, हम दो, हमारे दो, हम दो और हमारे दो हो गए, तो कितने हो गए, दो और दो 22 हो गए, है ना, इसको इसके से जमा हमने कि हम दो, हमारे दो, ठीक है। इसके बाद में डब्लू जो है, अब डब्लू को लिखने का तरीका देखो इस तरह से है कि अगर इसको मैं खड़ा बना दूं ऐसे तो ये कितना बन जाएगा, ये 3 बनेगा, इसका मैं दो लिखता हूँ कितना हो गया 23, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसके बाद में एक्स वाई जेड मैंने आपको बताया, वाई को तुम इजोटी से याद कर सकते हो, और उसके पहले कितना हो गया 24 और उसके बाद का 25। तो इस तरह से हम सभी ए टू जेड के जितने भी नंबर है वो सब हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है याद कराने का, और चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, है ना, जैसे आप याद कर सको उस तरह से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ए टू जेड अल्फाबेट्स का नंबर हमने जान लिया है, अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर वो विपरीत अक्षर आपसे पूछेगा, है ना, विपरीत अक्षर का मतलब हो गया कि जैसे मान लो ए अगर स्टार्टिंग में, जैसे ए से लेकर जेड तक में टोटल कितने नंबर होते हैं, 26 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अगर ए का नंबर नंबर एक है स्टार्ट से, तो लास्ट से नंबर एक कौन होगा, वो होगा जेड, है ना, अगर ये स्टार्टिंग से नंबर एक पर है तो ये लास्ट से नंबर बनते हैं ना, ये सेकंड नंबर भी स्टार्ट से है तो ये लास्ट से सेकंड नंबर पर है ना। तो इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए हमने क्या किया कि इसको हमने केवल ए से लेकर एम तक लिखा,
देखो टोटल कितने नंबर है 26, तो 26 को हमने दो भागों में बांटा, 13 ऊपर लिख दिए और 13 नीचे लिख दिए, 13 कितने हो गए 26, ताकि कॉम्बिनेशन बैठ सके। तो ए का कॉम्बिनेशन किस साथ बैठा, जेड के साथ, बी का वाई के साथ, सी का एक्स के साथ, डी का डब्ल्यू के साथ, इसी प्रकार का लास्ट में एम का एन तक जो है कॉम्बिनेशन बैठा दिया हमने ना। लेकिन अभी हमें याद किसे रहेंगे, देखो हमें पता है कि स्टार्ट का हम याद कर लेंगे, एम का जो ए का जो है ये जेड बन जाएगा क्योंकि ये पहला और आखिरी वाला है ना। लेकिन बीच के जो कोई नंबर होंगे, ये अल्फाबेट होंगे, उनको कैसे हम कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, यानी उसका जो ऊपर का स्टार से जो नंबर होगा वो लास्ट से कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी तो एक ट्रिक है ना। वो ट्रिक क्या है कि इनको याद करने के लिए हमें इनके लिए कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो पहले का पहले से मिलाना है, पहले का लास्ट से, तो ए को जेड से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा जब, या तो इसको लिख सकते हो आप ए टू जेड, ए टू जेड, या लिख सकते हो आज, है ना। क्या बन जाएगा इससे वर्ड, क्या बनेगा इससे वर्ड, बनेगा आज, आज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ए टू जेड, ठीक है। तो ये ए और जेड का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब इसके बाद में बी और वाई को कैसे याद करोगे, तो देखो एक स्पेलिंग बनती है बी ओ वाई, है ना, क्या बना बी ओ वाई, वाई को स्मॉल लिखा, छोटा लिखा हमने क्यों लिखा, ताकि वो साइलेंट तो दिखाई नहीं दे, बी ओ वाई दिखाई दे, क्या बन गया इससे बॉय बन गया। तो बी और वाई का कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये सेकंड नंबर पे स्टार्टिंग से और ये लास्ट से सेकंड नंबर का। सी और एक्स क्या बनेगा, देखो सी और एक्स ऐसी कोई स्पेलिंग आ रही है, ऐसी तो कोई स्पेलिंग नहीं है, लेकिन हम अगर इसको इस तरह लिखे सी आई एक्स, तो ये किसका सिमिलर है, ये इसकी तरह लग रहा है सिक्स, और इसका क्या वर्ड निकलता है सिक्स, है ना, तो ये कैसा लग रहा है सिक्स की तरह, तो इसको सी और एक्स को कैसे याद रखेंगे, सिक्स के रूप में याद रख लेंगे। अच्छा डी और डब्ल्यू क्या रखेंगे इसको याद करने के लिए, देखो डी की जो डी को हम बोलेंगे दूध वाला, ये हो गया दूध और डब्ल्यू से वाला, है ना, तो डी और डब्ल्यू को किस तरह बोलेंगे दूध वाला, तो हमें याद आ जाएगा डी का किसके कॉम्बिनेशन है डब्ल्यू के साथ, यानी डी याद आया हमें कि दूध, तो डी के साथ दूध, दूध के साथ क्या वाला, तो वाला में क्या जाएगा डब्ल्यू। अच्छा ई और वी को कैसे याद करेंगे, देखो एक स्पेलिंग बनती है इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, तो E और V साथ में आ रहा है ना, E और V के साथ में आ रहा है, तो E का कॉम्बिनेशन किस साथ है V के साथ, यानी E और V क्या बन गया ये इवनिंग बन गया। अच्छा इसका क्या बनेगा F और U का, F और U का बनेगा, या तो इसको फुल लिख सकते हो या लिख सकते हो फादर अंकल, F से क्या बनेगा फादर और U से क्या बनेगा अंकल, भाई भाई हो गए ना, और F और U का क्या बन गया फादर अंकल बन गया, ठीक है। जी और टी से क्या बनेगा, जी से अगर हमें याद रहेगा गौरव, जी से क्या हो गया गौरव, तो टी से क्या बन गया टावर, गौरव टावर बन गया, है ना, गौरव टावर बन गया। जी टी रोड हो गया, जी टी रोड भी आप लिख सकते हो, है ना, जी टी क्या लिख सकते हो जी टी रोड भी लिख सकते हो, जी टी रोड हो गया, ठीक है। एच और एस का क्या बनेगा, एस से बनेगा हाई और एस से स्कूल, तो हाई स्कूल हो गया ये, है ना। आई और आर का क्या बनेगा, इंडियन रेलवे, आई से बन गया इंडियन और आर से बन गया रेलवे, ठीक है। इसी प्रकार जे और क्यू से क्या बनेगा, जे और क्यू से बनेगा, जे से बन जाएगा जयपुर और क्यू से क्वीन, या तो इसको जयपुर क्वीन से याद रखो या याद रखो कि पूरा पूरा क्या, देखो जे से बन जाएगा जेब, हिंदी में लिख रहा हूं जेब, और क्यू से कतरा, जेब कतरा बन गया ना, जे और क्यू से जेब कतरा, या तो जयपुर क्यों याद रखो या रखो हिंदी में जेब कतरा। अच्छा केपी से क्या बनेगा, केपी से बनेगा, के से बन जाएगा काला और पी से बन जाएगा पानी, हो गया ना काला पानी, यानी काला पानी की सजा, तो केपी यानी काला पानी। एल और ओ से क्या बनेगा, अच्छा सबको पता होगा, बच्चे बच्चों को पता होगा एल और ओ का क्या बनेगा, लव, है ना, क्या बन जाएगा लव बन जाएगा। और एम और एन का, एम और एन का बन जाएगा मैन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी के कॉम्बिनेशन याद कर सकते हैं कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है। अगर कोई वर्ड आगे से, जैसे मान लो ये आगे से पांच नंबर पर है तो ये लास्ट से पांच नंबर पर होगा, ठीक है, तो ये भी हमें याद होना बहुत जरूरी। तो हमने अल्फाबेट्स के नंबरिंग सारे जान लिए और जो ऑपोजिट अल्फाबेट है वो भी हमने सीख लिए हैं। अब देखो जैसे मान लो कि कोई अल्फाबेट है, जैसे यहाँ पे हमने लिया एल, इस एल का आगे से क्रमांक अगर 12वें नंबर पर है तो पीछे इसका क्रमांक कितना होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, देखो, है ना, तो ये हमें पता करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें हम 27 में से
आगे की जो आगे से जो नंबर होगा ना वो इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया 15, यानी पीछे से इसका क्रमांक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, नंबरिंग पता होनी चाहिए कौन सा नंबर पर आता है। जैसे कुछ और लेते हैं, ओ हमने ले लिया, अब सबको पता है ओ का आगे से जो क्रमांक है वो कितने नंबर पर है, 15 पर है। अब इसका पीछे से निकालना है कि ये पीछे से कौन से नंबर पर है, तो क्या करेंगे 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना बच गया 12, यानी लास्ट से अगर इसको गिनेंगे तो 12 नंबर आएगा। अच्छा 27 में से क्यों घटा रहे हैं, कि भाई अल्फाबेट तो टोटल 26 होते हैं, है ना। 27 में से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही अल्फाबेट का आगे और पीछे दोनों तरफ से कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको 27 से माइनस करना पड़ रहा है। तो फाइनली अपना जो कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक था वो क्लियर कर लिया है। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पहले टाइप फर्स्ट क्या करेंगे, टाइप फर्स्ट अपना लेटर टू लेटर या अल्फाबेट अल्फाबेट हम बोल सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट से अल्फाबेट कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लो टाइप फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कैट को किसी कूट भाषा में, देखो कैट को किसी कूट भाषा में डी सी और डब्ल्यू, हाँ कैट को किसी कूट भाषा में डी सी डब्ल्यू कहते हैं, तो हमें याद करना है कि पेन को क्या कहेंगे, है ना, पेन को उसी कूट भाषा में क्या कहेंगे। तो देखना है जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में दिखाई दे, ये अल्फाबेट में हो चाहे नंबरिंग में हो, ठीक है, अल्फाबेट वाले भी क्या करना है कि इन पे सबसे पहले नंबरिंग कर लो। तो सी जो है ये कौन से नंबर पे आता है, ये नंबर 3 पे, ये नंबर 1 पे, और टी 20 पे, टी से 20, ठीक है। तो डी जो है ये नंबर 4, ये नंबर 3, और ये हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा 23 पे, ठीक है। तो डिफरेंट कितना देखना, अब हमें कंपेयर करना है फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से कंपेयर, और थर्ड का थर्ड से कंपेयर होगा। तो देखो ये 3 से 4 बन रहा है, यानी क्या हो रहा है कि इसमें +1 हो रहा है, ठीक है। ए और सी में क्या हो रहा है, ए नंबर 1 है, ये नंबर 3 है, तो क्या हो जाएगा इस पर +2 हो रहा है। टी का जो है डब्ल्यू से कंपेयर करेंगे तो टी 20 है, वो कितना है 23 है, +3 हो रहा है। यानी जो कैट था उसको चेंज करने के बाद में ये क्या हो रहा है +1, +2, +3 के रूप में ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें पेन का बनाना है। अब देखो पी का जो है ये नंबरिंग कितना होता है, ये होता है 16, ए 1 होता है, और एन होता है 14, ठीक है। तो पहले वर्ड में +1 करना है, तो जो पी है पी के बाद में क्या आता है, यानी 17 नंबर पे कौन सा आता है, क्यू आता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में करना है 2+, तो 1 में 2 जोड़ो कितना हो गया 3, और 3 नंबर पे कौन सा आता है सी, ये हो जाएगा सी। इसी प्रकार देखो अगला वर्ड जो है इसमें 3+ हो रहा है, इसमें भी 3+ करना है, तो 14 और 3 कितने हो गए 17, और 17 नंबर पे कौन सा आता है क्यू आता है, यानी क्यू सी क्यू जो है इस पेन का जो है ये कूट में चेंज हो जाएगा, यानी कोडिंग से डिकोडिंग कन्वर्ट करेंगे तो ये पेन का जो है जो चेंज होने के बाद में क्या है क्यू सी क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फ्रूटफुल को जी टी वी के यू एच वी एन कहते हैं, तो उसी कूट भाषा में रेनबो को क्या कहेंगे, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो पहला काम जो है अपना यही है कि यहाँ पर जो भी अल्फाबेट दे रखे हैं पहले उनके ऊपर क्रमांक लिखो, इनके क्रमांक देखो एफ का क्रमांक कितना होता है 6, आर का कितना होता है 18, यू यानी यंग 21 होता है, आई 9 तो 9 हो गया, टी का 20, F कितना होता है 6 होता है, U 21, और L कितना होता है 12, ठीक है, इसका भी लिख लो। G कितना होता है 7 होता है ना 7, T का 20, V कितना होता है 22, K कितना होता है 11, U कितना होता है 21, H कितना होता है 8, V कितना होता है 22, और N कितना होता है ये होता है 14, ठीक है। तो हमने इन दोनों के पहले क्रमांक लिख दिए, अब इनके बीच में कंपेयर करवाना है कि देखो कुछ मिल रहा है क्या। देखो 6 से बन रहा है 7, यानी 1+ हो रहा है, 18 से 20 2+ हो रहे हैं, 21 22 1+ है, फिर 2+ है ना, तो ये देखो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले का पहले के साथ क्या है देखो +1 दे रखा है, सेकंड का सेकंड के साथ कॉम्पेरिजन किया तो कितना हुआ ये +2 हो रहा है, थर्ड का थर्ड के साथ +1, इसका करेंगे फोर्थ के साथ तो +2, इसी प्रकार से फिर ये +1, +2, फिर +1, और ये +2,
ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप प्लस, ये जो है प्लस वन प्लस टू में ही हो, ये प्लस वन टू थ्री में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, माइनस के टू बी में भी हो सकता है, जो टू थ्री फोर में हो सकता है, माइनस के वन टू थ्री में हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, इनका डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट है ना, कुछ एक सीरीज होनी चाहिए जिसे या तो दो दो दे रखा हो, या तीन दे रखा हो, या एक दो तीन चार दे रखा हो, ठीक है, इस तरह से सीरीज होती है तो ही क्वेश्चन देखो लीगल होता है, ठीक है, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन आते नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अंतर आ गया, डिफरेंट आ गया पाँच का, फिर आ गया माइनस दो का, फिर सात का आ गया हो, फिर उसके बाद ग्यारह आ गया हो, उन्नीस आ गया हो ना, तो वो लीगल नहीं होता। तो जैसी कंडीशन ये बन रही है, यही ऐसी कंडीशन में यहाँ बनानी है, तो पहली जो संख्या है उनमें कितने का डिफरेंट होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए। तो देखो अब पहले इनके जो है नंबर लिख लेते हैं, आर कितने पता है 18, ए कितना है 1, आई 9, एन कितने पे होता है एन 40 पे, बी कितना होता है 2, ओ कितना होता है 15, डब्ल्यू कितना होता है 23। तो देखो एक पहले वाले में प्लस वन, सेकंड में प्लस टू, फिर प्लस वन प्लस टू, ये करना है, ठीक है। तो 18 में प्लस वन किया तो कितना बनेगा ये 19, एक में प्लस टू करो तो कितना हो गया 3, 9 में एक जोड़ो तो 10, 11, 14 में दो जोड़ो 16, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 15 में दो जोड़ेंगे 17, 23 में एक जोड़ो तो 24, है ना, ये बनेगा ना। देखो एक का डिफरेंट, फिर दो प्लस हो रहा है, फिर एक प्लस, फिर दो प्लस, फिर एक, फिर दो, और फिर एक हो रहा है, ठीक है। तो देखो 19 जो है ये किसका नंबर है, आर के बाद क्या आता है एस, 3 नंबर सी का, 10 नंबर जे का, 16 किसका होता है पी का, 3 किसका है सी का, 17 किसका है क्यू का, और 24 किसका है तेज, ये देखो डब्ल्यू यू, सॉरी डब्ल्यू का क्या होता है एक्स, ठीक है। यानी इस रेनबो का जो कूट में अपन ने कन्वर्ट किया इसको, तो ये क्या बनेगा एस सी जे पी सी क्यू एक्स, ठीक है, ये अपने ऑप्शन में दे रखा होगा, वो अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर किसका था प्लस वन प्लस टू का, तो वही कंडीशन हमने यहां पर अप्लाई की है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है और अल्फाबेट से अल्फाबेट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक्स ई एक्स सी यू आर टी आई ओ एन को कन्वर्ट कर रहा है, किसी कूट भाषा में कन्वर्ट करने पर ये सी एक्स ई टी आर यू एन ओ आई बनता है, तो उसी कूट भाषा में एस सी आई ई एन टी आई एस टी को कन्वर्ट करने के बाद में क्या बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। ये कोई कूट भाषा है उसमें इसको कन्वर्ट करने के बाद में क्या इसका आंसर रहेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, हमें केवल यही देखना है कि जो भी अपने पास क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है पहले उनकी नंबरिंग कर लो, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, ई जो है ई का नंबर कितना है, ई का नंबर है 5, एक्स कितने बताता है 24 पे, सी कितने पर आता है 3, यू कितना होता है 21, आर कितना होता है 18, टी कितना होता है 20, आई का 9, ओ कितना होता है 12, और ये 14 होता है, ठीक है। इसकी नंबरिंग करते हैं, सी कितना होता है 3, एक्स कितना होता है 24, ई कितना है 5, टी कितना है 20, 80, 21, एन का होता है 40, और 12, और आई 9, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद में इसको इससे कंपेयर करना है, मिलाना है कि क्या क्या मैच कर रहा है, ठीक है, या कितने का डिफरेंट आ रहा है, किन में डिफरेंट आ रहा है। देखो पहले का पहले से मिलाएंगे तो 5 से 3 दो का डिफरेंट हो रहा है, इधर 24 24, सेकंड सेकंड का मैच कर रहा है, वो का वो आ रहा है, फिर 3 में यहाँ पे 2 कम हो रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे तो 21 20 हो रहा है, 18 से 18 मैच हो रहा है, और 20 का 21 हो रहा है। अच्छा देखो देखने पर यह पता चल रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट नंबर था वो नंबर 3 पे जा रहा है, और जो नंबर 3 पे था वो नंबर 1 पर आ रहा है ना, और बीच वाला वो कवर लिखना है, ये पहले 3 नंबरों पे। सेकंड में देखो ये जो यू दे रखा है ये कहाँ जा रहा है, बीच में यहाँ पे पीछे जा रहा है, और जो टी है वो कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है ना। यानी इसको देखो ऊपर नीचे लिखेंगे तो कैसे बनेगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ रहा है सी एक्स ई टी आर यू एन ओ आई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मिलाते देखो ये ई से यही, और इसको यहाँ लिख दिया, और ये वाला सीधा लिखा है ना, ये करना है। तो यहाँ पर भी देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 दिन के है ना ये जोड़े बना लेंगे ये, ठीक है। तो ये जो आई था ये कहाँ जाएगा, ये आया जाएगा यहाँ पर, सी यहीं रहेगा, और एस कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये पहले 3 से देखो ऐसा बना है, तीसरे वाले को आगे लिख दो, तीसरे वाले को आगे लिख दिया, पहले वाले को नंबर 3 पे नंबर 3 डाल दिया। चलो इसमें देखते हैं, देखो टी से टी मैच कर रहा है, यू से यू, और आर से आर, तो यहाँ पर भी इसका टी आगे आ जाएगा,
फिर एन मिडिल में रहेगा और ई जो है ये पीछे हो गया, ठीक है। इधर एन इधर आ जाएगा, आई यहाँ पे, और ये जीरो जो ओ है वो वहीं पे रहेगा। तो ये टी एस और ये आई, ठीक है। तो ये हमने कूट में चेंज करने के बाद में क्या मिला, इस तरह से वैल्यू हमें मिल गई ना, नंबर तीसरी फर्स्ट पे, फर्स्ट वाली नंबर तीन पे और दो झांकी है। तो ये तीन तीन के जोड़े बनने के बाद में ये इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी टाइप फर्स्ट का ही है। देखो इसमें कह रहा है कि मनीष को किसी कूट भाषा में एन जेड एम आर एच एस कहते हैं, तो हमें बताना है कि मोहनी को इसी कूट भाषा में क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता है करना क्या होता है कि नंबरिंग कर लेते हैं पहले सभी का। एम का कितना नंबर होता है, ये होता है 30, ए कितने पर आता है 1, एन 40, आई का 9, एच का कितना होता है, ये होता है 19, और एच का होता है 8। इसी प्रकार से एन का 14, जेड का 26, एम का हो गया 13, आर हो गया 16, एच 8 और एस जो है ये 19 नंबर पे आता है, ठीक है। नंबरिंग हमने कर ली है, अब इनकी कंपेरिजन करना है, तुलना करनी है। देखो क्या किसी का कॉम्बिनेशन बेटर है, नहीं बेटर। देखो 13 से 14 ठीक है, प्लस एक कम हो रहा है, 1 से 26 जा रहा है। देखो यहाँ पर 1 से 26 यहाँ पे जो है 1 और 26 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठ रहा, ठीक है। आगे देखते हैं 40 का 30 से 1 माइनस हो रहा है, 9 से 16 चलो ये भी नहीं बन रहा, लेकिन चलो ये सब कुछ भी नहीं बन रहा। इनमें जो है प्लस माइनस की कोई भी रोल नहीं है, कुछ और जो है इसके अंदर नियम होगा, देखते हैं क्या है। क्या दोनों अक्षरों का अगर टोटल 27 होता है तो ये ऑपोजिट वर्ड पे जाता है। ऑपोजिट वर्ड का मैंने आपको समझाया था, वो जैसे बताया था ना ए टू जेड का बताया था आज के रूप में, बी का वाई के साथ बॉय बनाया था, है ना, उसी तरह से बनाएंगे। तो एम का एन से देखो 13 और 14 को जुड़ेंगे, कितना हो रहा है 27 हो रहा है। इनका इन सभी संख्याओं का 27 होगा, देखो 1 26 27 14 13 27 9 16 27 19 8 27 8 19 27, ठीक है। यानी ये जो है ऑपोजिट वर्ड में मिल रहे हैं, यानी इसको मैंने एन को यहाँ लिख दिया, जेड लिख दिया, एम आर एच और एस। देखो अब क्या बनता है, एम और एन क्या बन रहा है, ये एम और एन का बन रहा है मैन बन रहा है, ठीक है। ए और जेड का ऑपोजिट क्या बनेगा, आज, आज बोलो या फिर ए टू जेड बोलो। एम और एन का हमने बना लिया पहले, आई और आर का क्या बनेगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। एच और एस का मैंने बताया था आपको हाई स्कूल बताया था, तो ये हाई स्कूल हो गया, ये वापस से एच और एस आ गया तो हाई स्कूल हो गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो यही कॉम्बिनेशन हमें इससे बनाना है। तो एम का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, एन के साथ, एम का एन के साथ। ओ का देखो, ओ वाला याद करो मैंने बताया था लव वाला, एल ओ बी ही, एल और ओ मिल मैच करा है, तो ओ के साथ किसका बनेगा, एल का। इन दोनों का अगर नंबरिंग आप जोड़ोगे ना तो 27 होगा। देखो ओ कितना होता है, ओ होता है 50, एल कितना होता है 12 होता है, 15 और 12 को जोड़ो कितना हो गया 27, एम कितना था 30, एन कितना है 40, जोड़ेंगे कितना हो गया 27 हो रहा है। इसी प्रकार से ए का कितना है 8, 8 में वही देखो 27, 27 में से 8 घटाओ, इस 27 में से हमने 8 घटाया तो कितना बचेगा 19। अब 19 नंबर पे कौन सा आता है, 19 नंबर पे मैंने बताया था एस आता है ना, तो इसका जो ऑपोजिट होगा क्या बनेगा, वो एस बन जाएगा, हाई स्कूल बना कि नहीं बना। अच्छा ए का बताओ, ए नंबर एक पर है तो 27 में से एक घटाओ कितना बच गया 26, और 26 नंबर पर क्या आता है, जेड आता है, तो ए जेड बन गया, ठीक है। एन कितना है 40, अब 27 में 14 घटाओ कितना बच गया 13, नंबर 13 पे क्या आता है, एम आता है। इसी प्रकार इंडियन रेलवे, आई का बनेगा 9 और रेलवे का जो आर है उसका बनेगा कितना बनेगा 16 या 18 बनेगा, है ना, तो 18 और 9 कितने हो गए 27 हो गए, है ना। इसका आएगा सॉरी यहाँ पर आर आएगा ये 18 नंबर पर, यानी मोहनी का जो कूट वर्ड जो चेंज होगा तो ये क्या बनेगा, एन एल एस जेड एम आर, ये इसका कूट नेम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये था अपना टाइप फर्स्ट, यानी अल्फाबेट से अल्फाबेट, अल्फाबेट टू अल्फाबेट, ठीक है। इसको अल्फाबेट टू अल्फाबेट बोलो या बोलो फिर लेटर टू लेटर। अब करेंगे हम टाइप सेकंड, लेटर टू नंबर या अल्फाबेट टू नंबर। तो ये टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन है, इस बार हम चेंज करेंगे अल्फाबेट या लेटर्स को नंबर में, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि गिव दे रखा है, जी आई वी ई, गिव को कन्वर्ट कर रहा है ये 5137 में। अगर गिव को 5137 लिखता है
और बेट को लिखता है बी ए टी बेट, बेट को लिखता है 9 to 4, तो इसी कूटभाषा में गेट को हमें चेंज करना होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये देखो कि गेट की जो स्पेलिंग है जी ए टी, क्या ये इनके अंदर दिए हुए वर्ड में मैच कर रही है नहीं कर रही। देखो जी मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है इसके अंदर, कर रहा है, टी मैच कर रहा है, टी भी इसके अंदर है, टी दे रखा है, ई दे रखा है, ई भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इनके जो अल्फाबेट दे रखे है ना, जो अल्फाबेट है वही उसका नंबर है ना, अल्फाबेट का नंबर वही है। यानी जी को ये 5 कह रहा है, आई को कह रहा है 1, वी को कह रहा है 3, ई को कह रहा है 7, बी को कह रहा है 9, ए को बोल रहा है 2 और टी को कह रहा है 4। ठीक है, तो उन्हीं में से छाट के हमें लिखना है कि गेट को क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो जी गेट को क्या कह रहा है, एक गेट को कह रहा है 5, तो यहाँ भी जी दे रखा है तो जी का आ गया 5। ठीक है, ए इसके बाद ए देखो एक चेक करो कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ए को क्या बोल रहा है, ये ए को बोल रहा है 2। ठीक है, टी को क्या कह रहा है, टी इसमें नहीं है, टी इसमें दे रखा है, टी को बोल रहा है ये कितना 4, ये हो गया 4। और ई को क्या कहेगा, देखो ई को यहाँ पे दे रहा है, ई का दे रहा है 7, तो ई की वैल्यू कितनी है 7। तो ये कूटभाषा में गेट का नंबर चेंज किया तो कितना आया 5 to 4 7। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। ये अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि लोड दे रखा है एल ओ ए डी को बोल रहा है ये 12 15 14, तो इसी में हमें बताना है कि डियर को क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो दे रखा है एल, एल जो है अल्फाबेट अगर हम देखते हैं तो एल जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 12 होता है, ओ कितना होता है ओ 50 होता है, ए कितना होता है 1 और डी कितना होता है 4। ठीक है, और देखो इन इसने क्या किया कि इन्हीं संख्याओं को ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दिया, और ये इसका कोड में चेंज हो गया। ठीक है, कोड पास में इसने चेंज कर दिया लोड को, मतलब उसकी नंबरिंग करनी ओनली क्वेश्चन के अंदर, केवल उसकी नंबरिंग करनी और नंबरिंग को साथ के साथ लिखना है ऐसा कैसा। ठीक है, तो हमें बताना है कि डियर का कूट में चेंज करने पर क्या बनेगा। तो ठीक है, हम भी इसका नंबरिंग कर देंगे पहले, तो डी का जो होता है नंबर 4, ई आता है 5 पे, ए का नंबरिंग होता है 1 और आर का होता है 18। ठीक है, 4 5 1 और आर का 18, तो ये का ये इसका आंसर हो जाएगा 4 5 1 1 8 जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि यदि किसी कूटभाषा में बैक जो है बी एस सी के बैक को y 26 x 60 कहते हैं, है ना, ये कोई कूटभाषा है, इसको कन्वर्ट करने के बाद में ये बनता है, तो हमें एम ओ आर एन का कन्वर्जेशन बताना है कि इसको कन्वर्ट करने के बाद में ये क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कि बी जो है ये नंबर 2 होता है, ये होता है नंबर 1, सी होता है, सी हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 11। ठीक है, ध्यान देना ये आगे से इसकी नंबरिंग है, ये है ना, अच्छा ये वाला नंबरिंग दे रखा है, और इससे तो ये कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, तो कुछ और सोचते हैं, ये इसकी आगे से वैल्यू दे रखी, तो चलो इसके पीछे से वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू आगे से 2 है तो पीछे से कितनी जाएगी 27, में से 2 अगर घटाएंगे तो कितना बच गया 25। ठीक है, इसकी नंबरिंग पीछे से कितनी जाएगी 25, अच्छा पीछे से नंबरिंग इसके 25 होगी, और बी का जो ऑपोजिट वर्ड होता है ये क्या होता है वाई होता है, और ये 25 नंबर होता है, होता ही होता, बी का आगे से नंबर होता है 2, बी का ऑपोजिट वाई होता है, और वाई का जो नंबर है वो कितना है 25 है, यही हुआ है कि बी का ऑपोजिट नंबर भी कितना है 25 है। ठीक है, इसी प्रकार ए का निकालते हैं, ए का ऑपोजिट होता है जेड और जेड का नंबर होता है 26, सी का ऑपोजिट क्या होगा, सी का 6 बताया था है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स कितने पर आता है 27 में 3 घटाओ कितने बच गए 24, के जो है आगे से 11 है 27 में से 11 घटा दो कितना बच गया 6 1 16, तो ये हो जाएगा इसका 16, और के का किंग्स 11 पंजाब है ना, किंग्स 11 11 नंबर पर है, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा काला पानी यानी पी, और 16 पे आता है पी। ठीक है, देखो अब कुछ मैच कर रहा है क्या, ए से वाई बन रहा है, ठीक है बन रहा है वाई, इसका ऑपोजिट है ए का बन रहा है 26, तो बी से तो क्या बन गया वाई, ए से क्या बनेगा 26, 26 इसका नंबर है ये भी मान गया। ठीक है, सी का ऑपोजिट एक्स है तो ये एक्स आ गया, देखो पहले तो ऑपोजिट लिख रहा है फिर नंबर लिख रहा है ऑपोजिट, फिर ऑपोजिट अल्फाबेट फिर इसका नंबर लिख रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, पहले वाले क्या बनाया केवल ऑपोजिट वर्ड, तो एम का ऑपोजिट क्या होगा एन होगा है ना, जब ये बॉय बन रहा है तो इसका मेन बनता है ना, तो एम का ऑपोजिट क्या होता है एन,
फिर इसके बाद जो नंबर ही लिखा है वो भी ऑपोजिट, तो एन का नंबर आगे से कितना है 15, तो इसका नंबर पीछे से कितना जाएगा 12, है ना, 12 ही होगा ना, क्योंकि देखो एल और ओ इसका कॉम्बिनेशन है, तो इसके सामने वाला जो इसका कॉम्बिनेशन वाला जो नंबर है वो भी कितना है 12 रुपये आएगा। तो यहाँ पर मैं गिनती इसकी गिनती, तो कितना जाएगा ये 12। इसका नंबरिंग नहीं करना, इसका नंबर पीछे से करना है या तो, या फिर इसका ऑपोजिट लिखना है, क्योंकि देखो इसने नंबर नहीं लिखा इसका कि वाई का, ए का नंबर एक लिख दिया हो, ए का ऑपोजिट लिखा है 26, ओ का ऑपोजिट, ओ के नंबर तो 15 है ना, ओ का नंबर कितना है 15, तो 15 का ऑपोजिट कितना हो गया 12। अब देखो नंबर तीसरे पे अल्फाबेट का ऑपोजिट यानी आर का ऑपोजिट, आर का ऑपोजिट इंडियन रेलवे, तो यहाँ क्या जाएगा आई, है ना, इंडियन रेलवे बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर नंबर लिखना है ऑपोजिट, तो एन का ऑपोजिट होता है एम, और एम का नंबर कितना होता है 13, ठीक है। तो ये एम ओ आर एन का जो नंबर बनेगा ये बनेगा N12I30, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कोडिंग डिकोडिंग का टाइप वन और टाइप सेकंड। अभी कोडिंग डिकोडिंग पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए आपको अभी वेट करना होगा अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम टाइप थर्ड, टाइप फोर और टाइप जो है ये फिफ्थ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।